कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी अपडेट्स पाने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें। राजस्थान के जयपुर के जोबनेर में स्थित ज्वाला माता का यह मंदिर राजस्थान का एक प्राचीन व प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जिसकी शताब्दियों से लोक में बहुत मान्यता है। यह धाम जयपुर से लगभग 45 किलोमीटर पश्चिम में ढूंढाड़ अंचल के प्राचीन कस्बे जोबनेर में अवस्थित है। यह स्थान अत्यंत प्राचीन है। साहित्यिक ग्रंथों और शिलालेखों से जोबनेर की प्राचीनता प्रकट होती है, जिसमें इसे जब्बनेर, जब्बनकार, जोवनपुरी, जोबनेरी, जोबनेर आदि विविध नामों से उल्लेखित किया गया है। कूर्म विलास में उसका एक अन्य नाम जोगनेर अर्थात योगिनी का नगर मिलता है, जो इसका प्राचीन नाम प्रतीत होता है। जालपा या ज्वाला माता देवी या शक्ति का ही एक रूप है। जोबनेर अरावली पर्वतमाला के जिस विशाल पर्वत शिखर की गोद में बसा है, उसकी पर्वतीय ढलान पर पहाड़ के बीचों बीच उसके हृदय स्थल पर ज्वाला माता का भव्य मंदिर बना है। सफेद संगमरमर से बना ज्वाला माता का यह मंदिर बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है और यह मंदिर दूर से ही दिखाई दे जाता है। ज्वाला माता जोबनेर नगर की अधिष्ठात्री देवी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने सती के शव को कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य किया था। उस समय सती का शरीर छिन्न भिन्न होकर उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे, जो शक्तिपीठ बने। जोबनेर पर्वत पर उसका जानु भाग गिरा, जिसे प्रतीक मानकर ज्वाला माता या जालपा देवी के नाम से पूजा जाने लगा। जोबनेर के इस पर्वत शिखर पर जहां ज्वाला माता का मंदिर है, उसके ऊपरी भाग पर इस क्षेत्र के चौहान शासकों द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग के भग्नावशेष आज भी यहां विद्यमान हैं। जोबनेर शाकंभरी के चौहान राज्य का एक अंग था और उसके सपादलक्ष साम्राज्य के प्रमुख नगरों में इसकी गणना होती थी। प्रतिवर्ष नवरात्र में यहां एक विशाल मेला भरता है, जिसमें दूर दूर से तीर्थयात्री एवं श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं। जोबनेर पर चौहानों के बाद पहले हमीरदे का कछवाहों और फिर खंगारोद कछवाहों का आधिपत्य रहा। इस शाखा के पूर्व पुरुष जगमाल कछवाहा और उनके पुत्र खंगार ने पहले बोराज और फिर जोबनेर पर अधिकार कर लिया। जनश्रुति है कि ज्वाला माता ने राव खंगार की जोबनेर पर आधिपत्य स्थापित करने में अप्रत्यक्ष मदद की थी। अजमेर के शाही सेनापति मोहम्मद मुराद, जिसे लाल बेग भी कहा जाता है, ने 1641 ईस्वी के लगभग, जब यहां के शासक जैत सिंह के शासनकाल में जोबनेर पर आक्रमण किया, तब जोबनेर पर्वतांचल से मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड आक्रांता पर टूट पड़ा तथा इस प्रकार देवी ने प्रत्यक्ष रूप से सहायता कर जैत सिंह को विजय दिलाई। इस युद्ध में
आक्रांता से छीनी हुई नौबत ज्वाला माता के मंदिर में आज भी विद्यमान है। रावल नरेंद्र सिंह ने अपने राजप्रसाद के पार्श्व से मंदिर को जाने वाले प्रवेश मार्ग पर ज्वाला पोल नामक एक विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया।